इस शो के फुल एपिसोड्स देखने के लिए Z5 ऐप डाउनलोड करें। गुड इवनिंग एवरीवन, थैंक यू आप सबको यहाँ आने के लिए। वैसे ये तो हमारी शादी की पहले एनिवर्सरी पार्टी है, लेकिन मैं आप सबसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं और वेदिका जी 6 साल पहले मिले, और तभी मैंने डिसाइड कर लिया कि यही मेरे लिए, मुझे और कोई नहीं चाहिए। हाँ, लोगों ने काफी कुछ कहा कि ये मुझसे उम्र में बड़ी है, मैं छोटा हूँ, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, लेकिन मुझे इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता, ना ही कभी फर्क पड़ेगा। इसके बाद क्या हुआ, मेरे दिल में इनके लिए प्यार सिर्फ और सिर्फ बढ़ता गया। मैंने कहीं ये पढ़ा है कि दुनिया के लिए तुम सिर्फ एक इंसान हो, लेकिन एक इंसान के लिए तुम पूरी दुनिया बन सकते हो। तो एग्जैक्टली वही हुआ, वेदिका जी मेरे लिए मेरी पूरी दुनिया है। अगर साहिल आज एक बेहतर इंसान है तो उसकी वजह है वेदिका जी। अगर मेरे परिवार में सुख शांति और प्यार है तो इसकी वजह है ये वेदिका जी। मेरे लाइफ में इतने प्रॉब्लम्स होने के बाद अगर मैं मुझे अपनी जिंदगी से कोई शिकायत नहीं तो इसकी वजह है वेदिका जी। मेरी हर ख्वाहिश, मेरी चाहत, मेरा सब कुछ है। इनफैक्ट मैं तो अपने आप को दुनिया का सबसे लकीएस्ट इंसान कहता हूं, लकीएस्ट हस्बैंड, कि मुझे वेदिका जी ने एक्सेप्ट किया। इनफैक्ट मैं सोच रहा हूं कि सिर्फ 7 जन्म नहीं, उसके बाद आने वाले हर जन्म मैं चाहूंगा कि मैं आपके साथ ही रहूं। इसके बाद एक चेंज करेंगे, इसके बाद हर एक लाइफ में मैं आपसे उम्र में बड़ा हूं, ताकि आप पे कभी भी कोई आके उंगली नहीं उठाए। तो मेरी बीवी जी, आज हमारी एनिवर्सरी की रात है, मैं आपसे ये पूछता हूं कि क्या आप हमेशा हमेशा के लिए मेरी बनेंगी?